मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल e-learning विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं DLL प्रथम सेमेस्टर की आज पेपर गणित का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है 2015 में जो हो चुका है, आज उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को जो ये पेपर है मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिसमें कुल 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं DLL प्रथम और सेकंड दोनों सेमेस्टर में। और सबसे बड़ी बात, इसको सॉल्व करने से आपको एक आधार मिल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। और यह पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल e-learning विद दुर्गेश पे, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इस वीडियो लिंक पे जाइएगा और फेसबुक पेज e-learning विद दुर्गेश, दोनों जगह आपको प्राप्त हो जाएगा, दोनों जगह आपको यह मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुल इसमें 18 प्रश्न आते हैं जो कुल 25 नंबर के होते हैं, और उसमें से भी 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 6 से लेकर 11 तक अतिलघु उत्तरी होते हैं 1 नंबर के, फिर 12 से लेकर 18 तक 2 मार्क्स के लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। इस प्रकार 18 प्रश्न 25 नंबर के हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना। तो पहला प्रश्न लिखिएगा, किसी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, माने दिए गए विकल्प में से किसमें 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो विकल्प लिखिएगा दोस्तों, विकल्प 1 है जो आपका, वह है 271.169। विकल्प 2 या बी कह लीजिए, वो है 395.106। विकल्प तीसरा आपका 344.61। फिर क्वेश्चन चौथा है आपका विकल्प 4 डी, जिसे कह सकते हैं हम 285.068। दोस्तों प्रश्न क्या है, किसी संख्या में, प्रश्न इसका लिख लीजिएगा पहले, किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। चलिए हम लोग लगा के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर 6 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो दशमलव के ज्यों ज्यों दाईं तरफ बढ़ते हैं उस तरह से दशांश, शतांश, हजारांश बढ़ता जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब जैसे देखिए, इसमें 6 जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा, 6 है दूसरे अंक पे, ये है तीसरे अंक पे, ये पहले अंक पे और ये दूसरे अंक पे। अगर वैल्यू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर इसको भिन्न में बना दिया जाए या भिन्न की तरह सॉल्व किया जाए तो जो सबसे दशमलव के ज्यादा नजदीक होगा वह सबसे बड़ी होगी। इसमें कहीं 6 दिया नहीं गया है, इसलिए आपका जो विकल्प होगा वह सी या तीसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका मान होगा वह होगा 6/10, इसका मान जो होगा वह 6/123 अंक पे दशमलव है, इसलिए 1, 2, 3 ये इसका 1000वां हिस्सा होगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 अंक पे है तो इसका बटा 100 हो जाएगा, और यह भी 6/100। तो हम ये देखते हैं अगर सबको अलग अलग दशमलव में बदला जाए सभी विकल्प को, तो यह हो जाएगा 0.06, यह हो जाएगा 0.006, यह हो जाएगा 0.06, यह हो जाएगा 0.06। तो जो सबसे कम अंक का दशमलव है वह विकल्प यह है, इसलिए आपका विकल्प सी या विकल्प तीसरा आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्त, अगला क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिएगा आप लोग, दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो एक था, ये दूसरा है कि 3/5 प्लस 2/5 का मान होगा। इसके 4 विकल्प मिले हैं, वो 4 विकल्प हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो विकल्प आप देख लीजिएगा। वो विकल्प है आपके, विकल्प अगर हम सॉल्व कर लेते हैं आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, जब किसी भी भिन्न के हर आपस में समान होते हैं तो उनका लसन नहीं लिया जाता, तो हम क्या लिखेंगे, इसका हर हम 5 लिख देंगे। अब देखिए, अंश को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, तो हो जाएगा 5/5, 5 कट गया 1, तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा 1। तो हमने क्या देखा, 3/5 धन 2/5 का जो योग करेंगे तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वह 1 होगा। कैसे, इन दोनों का जब हर समान होते हैं या जब किसी भिन्न के हर समान होते हैं उनको जोड़ते समय जो हर होता है उसका लसन नहीं लेते, ज्यों का त्यों लिख दिए 5, फिर ऊपर के अंशों को भी ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, तो 3+2=5, तो 5/5 5 से कैंसिल हो गया, कट गया, बराबर 1/1 अर्थात 1 प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर होगा वह होगा 1।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुविकल्पी तीसरा। उसमें दिया दोस्तों यदि किन्हीं दो संख्याओं का मसप, किन्हीं दो संख्याओं का मसप 4500 तथा लसप 500 तथा उसमें से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का एससीएफ 45 तथा एलसीएम 500 हो उसमें से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, वो है आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका क्या है कि ल स प गुणे म स प बराबर बराबर हम लिख सकते हैं पहली संख्या माने फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या या दूसरी संख्या, इसे लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड नंबर या सेकेंड संख्या। दोस्तों हमें क्या मिला कि किसी भी लस लस पर गुणे मस पर बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, मतलब इसे कह सकते हैं हम लोग कि एलसीएम इनटू इनटू एससीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर, या ये कह सकते हैं हम शॉर्टकट में इसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहां पे मिल गया कि लसम लसप गुणे मसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी बात, अगर आपको लसप दिया है मसप नहीं दिया है, ये दोनों संख्याएं दिया है, इससे हम आसानी से पक्षांतर कर लेंगे। जैसे जो चीज ज्ञात हो वो लिख दीजिए, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, उनका लसप जो है वह कितना है, वो है 500 गुणे मसप 45 पहली संख्या 125 गुणे सेकेंड नंबर माना यक्स। अब जो जो चीजें ज्ञात होगी, या ये भी कह सकता है कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या मस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जो जो चीजें ज्ञात हो उसे लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसको पक्षांतर करना होगा, ये गुणे में है दोनों, अब 125 गुणे में इधर लाएंगे तो भागे में, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 45 बटे 125 बराबर यक्स। अब 25 से काटेंगे 25 पच्चे 125, 25 दुना 50 जीरो हो गया, 5 से काटेंगे 5 नवा 45 तो यक्स बराबर 20 गुणे 9 बराबर 180। तो जो दूसरी संख्या ज्ञात होगी वह क्या होगी, 180। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि किसी दो संख्याओं का मस 45 तथा लस 500 हो, यदि पहली संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यह आपको समझ में आ गया, यह तीसरा प्रश्न था बहुविकल्पी का, जिसका उत्तर कितना था, इसका आंसर हमें मिला 180। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है कि 2480 का कितना प्रतिशत है, क्या प्रश्न है दोस्तों, 2480 का 2480 का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 24 है, 2480 का कितना प्रतिशत है, तो माना यक्ष प्रतिशत है। अब देखिए 24 क्या है, 80 का माने गुणा, देखिए ऐसे होगा कि 24 80 का यक्स परसेंट, ऐसे मान लेते हैं आसान मजाक लगाने, जैसे प्रश्न की भाषा 24 80 का यक्स प्रतिशत है, का माने गुणा, तो बस लिख सकते हैं हम लोग 80 गुणे यक्स बटे 100 बराबर 24। ठीक, अब देखिए ये गुणे में है ये बटे में है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 80 बटे 100 यक्स बराबर 24, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, या तो इसको लिखेंगे ना यक्स बराबर 24 गुणे 100 बटे 80, जीरो जीरो कट गया, 8 3 24, तो यक्स बराबर 3 × 10 बराबर कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, तो यक्स बराबर कितना परसेंट हो गया 30%। तो 2480 का क्या परसेंट है, 30%। तो इस प्रकार यह आपका चौथा प्रश्न था जो बहुविकल्पी के तौर पर था, उसका उत्तर क्या आ गया, यक्स बराबर 30%। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है जो बीजगणित से है आपके,
अब इसका पेपर भी हम आपको डाल देंगे, लेकिन आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए DURGESHSIR दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इन लर्निंग पे दुर्गेश आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, या मेरे फेसबुक पेज इन लर्निंग पे दुर्गेश पे भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है 8A, 8A प्लस 3B, 8A प्लस 3B सॉरी माइनस 8A माइनस 3B प्लस दूसरे कोष्टक में है आपका 3A प्लस 3B का मान होगा, का मान होगा। चलिए देखते हैं इसका मान क्या होगा। अब इसमें दिया है 8A माइनस 3B प्लस 3A प्लस 3B सॉरी 3A प्लस 3B। अब देखिए कोष्टक तोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 8A माइनस 3B प्लस 3A प्लस 3B। अब देखिए जब बीजगणितीय पद को आपस में जोड़ा जाता है तो समान पद, यदि पद समान हो चिन्ह भी समान हो तो दोनों पद आपस में, दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं, यदि पद समान हो चिन्ह विपरीत हो तो बड़े पद में से छोटे पद को घटा के बड़े पद का चिन्ह रखते हैं, यदि पद समान हो चिन्ह भी समान हो चिन्ह विपरीत हो तो दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। जैसे 3A 3B माइनस 3B प्लस कट गया और 8A और 3A जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं हो धनात्मक माना जाएगा, तो हो जाएगा 8A प्लस 3A बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 3 11A। तो आपका उत्तर हो गया इसका 11A। इस प्रकार आपके जो 5 बहुविकल्पी के प्रश्न थे वो मैंने क्रम से बारी बारी से सॉल्व कर दिया। अब शुरू होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न जो स्टार्ट होगा 6 से लेके 11 तक। चलिए दोस्तों उसमें जो पहला प्रश्न है जो ओरली आप बता सकते हैं, मतलब उसे आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, वह प्रश्न क्या है सुन लीजिएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को या रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, इसे वृत्त हो गया। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे वृत्त के किन्हीं दो बिंदु यहां हो गया ठीक, तो देखिए वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाने रेखा होती है जैसे ये हो गया यहां, इसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। लेकिन जब यही जीवा केंद्र से होकर जाती है इसका नाम क्या हो जाता है, व्यास। अगर केंद्र से होकर जाती है व्यास और केंद्र से होकर नहीं जाती इसे जीवा कहते हैं। इसके आप दोनों उत्तर लिख सकते हैं, व्यास अथवा जीवा, क्योंकि यह नहीं दिया है केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसलिए इसका उत्तर जो है जीवा होगा। लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं, जीवा या व्यास। तो बस एक थोड़ा सा चित्र बना के लिख देंगे, आपके एक नंबर मिल गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है कैलकुलेशन का है, तो सरलीकरण का, वो हम लिख देते हैं। वो है आपका 48 प्लस 8 × 0.75 -5। दोस्तों यह इजी प्रश्न है, इसका रूल एक आपको पता होगा जिसका नाम है बोधमास। यह बोधमास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, माने पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सबट्रैक्शन, माने पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो का को पहले काट दो ता करियोगा भाग, गुणा करे धन जोड़ ले, अंत में लियो घटा। हमें क्या मिला, 48 धन 8 × 0.75 -5। तो पहले क्या करना होगा, हम इसको सॉल्व करना होगा गुणे को, तो लिखेंगे 48 धन, इसको गुणा कर ले या तो इसका बटा 100 करके भी काट सकते हैं, गुणा कर लेते हैं 8 × 5 = 40 8 × 7 = 56 और 4 = 60 2 × 10 = 2 लगा दिया -5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए धन पहले जोड़ेंगे फिर इनको घटा लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 48 और 6 = 54 -5 फिर आ जाएगा -5 गया 49। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो 49 होगा, उत्तर कितना होगा इसका 49 होगा। तो चलिए इसी प्रक्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका
वह 12 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए या 12 के सभी अपवर्तक लिखिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक। एक होता है अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है कि मल्टीपल, गुणज, माने जो उसके पहाड़ से पहाड़ा पड़ना, वो क्या हो गया, अपवर्त हो गया। और जो विभाजित होता है वह क्या होता है, या जो किसी संख्या को विभाजित करता है, जैसे 4 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, 1 से 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से, तो उसके कितने अपवर्तक हो गए, 3 अपवर्तक। उसी प्रकार अगर आपको 12 के सभी अपवर्तक ज्ञात करने हैं, देखिए अगर 12 के अपवर्तक ज्ञात करने हैं तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, तो 12। तो ये 12 के सभी अपवर्तक हो गए जिनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने अपवर्तक है इसके, 6 अपवर्तक है। लेकिन अगर 12 के ये अपवर्तक है, ये अपवर्तक है, ये आपके क्या हो गए, ये सभी 12 के अपवर्तक। अगर अपवर्त पूछ देता, इसी का अपवर्त पूछ देता, तो 12 क्या होता, 12 गुणे 12 24 36 48 78, तो ये अपवर्त है और ये अपवर्तक, ठीक। ये डिविजर है मल्टीपल, माने ये विभाजित होगी, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को जितनी विभाजित करेंगी वे सभी अपवर्तक कहलाएंगी, और जो संख्या विभाजित, जो उसके गुणज जो होंगे वे क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे। तो ये जो प्रश्न था वो आपका था 8वां, 1 नंबर का अतिलघु उत्तरी का 8वां प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपका है वह गुणा है, गुणा देख लीजिए क्या है, -2x² कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक के अंदर चीज के बाहर भी माइनस है, माइनस फिर -x² + 4x। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, -2x² माइनस कोष्टक के अंदर -x² + 4x। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह या ऋण का चिन्ह लगा हो तो कोष्टक तोड़ने के बाद अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। सभी चिन्ह का मतलब धन का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे ये हो जाएगा -2x² अंदर, यहां माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो धन का क्या हो जाएगा, ये ऋण है तो ऋण का हो जाएगा धन x², क्योंकि चिन्हों का भी गुणा होता है, ऋण गुणे ऋण करेंगे तो धन x², फिर प्लस गुणा माइनस करेंगे -4x². अब देखिए 2x² माइनस x² प्लस, पद समान है चिन्ह विपरीत है, तो बड़े पद में से छोटे पद को घटाकर सदैव बड़े पद का चिन्ह रखते हैं, तो -2x² में से x² जाएगा, तो -x² - -4x और अगर हम -x कॉमन ले लिए अंदर बचेगा x + 4, या केवल खाली x अगर हम कॉमन लेते अंदर बचता -x - 4। तो यह इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावी उत्तर है आपका यह विकल्प, यह उत्तर सही माना जाएगा। हमने क्या किया, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, धन के ऋण, ऋण के धन, तो ये -x² की जगह +x² + 4x की जगह -x, तो ये दोनों पद समान चिन्ह विपरीत, तो -2x² में से x² गया, तो -x² - x कॉमन ले लिया तो क्या x + 4, ये भी आपका उत्तर सही है। तो दोनों में से आप कोई भी उत्तर लगाएंगे दोनों आपका उत्तर सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 150 का 12% कितना होगा। अगला जो प्रश्न है 150 का 12% कितना होगा, 150 का 12% कितना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 150 का 12% कितना होगा। देखिए 150 का माने, देखिए इसे 150 का 12% लिखेंगे, 150 का माने गुणा, जब किसी भी पद या अक्षर के दाईं तरफ परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है उसका बटा सदैव 100 लिखते हैं, तो हो जाएगा 12/100, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 5 × 10 5 × 3 = 15 5 × 10 = 2 × 6 = 12, तो बचा क्या 3 × 6 = 18। तो 15 का 150 का 12% कितना हुआ, 18। इसका उत्तर जो होगा, वो आंसर जो होगा वो 18।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हाँ एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 110 मीटर तथा चौड़ाई उसकी 40 मीटर हो, तो उस मैदान के चारों तरफ तार लपेटना हो तो तार की कुल लंबाई क्या होगी, या मैदान के चारों तरफ कितना लंबा तार लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये किसी भी, ये देखिए जो मैदान की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ठीक, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा जब इसका परिमाप निकलेगा, और आप जानते हैं किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग। अब इसी व्हाइट बोर्ड का परिमाप निकालना है, कह दिया जाए इसके चारों तरफ तार लपेटना है, कुल कितना तार लगेगा, भैया जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है उतना लपेट दीजिए। मतलब किसी भी आकृति का परिमाप निकालना माने उसकी कुल भुजाओं का योग। तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर लंबाई बराबर लंबाई, चौड़ाई बराबर चौड़ाई, तो दो लंबाई दो चौड़ाई होगी, कॉमन लेंगे तो सीधी सी बात है हम देखेंगे लंबाई अर्थात लेंथ कितनी है, 110 मीटर, 110 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक। अब इसका परिमाप लिखते हैं, अब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब कैसा है, मैदान आयताकार है, तो देखिए आयत का परिमाप माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है टू, लंबाई 110 लिख दिया प्लस 40 लिख दिया तो दो जोड़ दिया 150, फिर दो गुणे 150 बराबर 300 मीटर, तो जो मैदान के चारों तरफ तार लपेटा जाएगा वह कुल कितना होगा, वह 300 मीटर तार लगेगा, कितना लगेगा 300 मीटर, तो यह आयत का परिमाप हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर यह वर्ग का परिमाप होता तो भुजा गुणे चार करते, आयत का क्षेत्रफल पूछता लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल पूछता भुजा का दे दो, आयत का विकर्ण पूछता तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण आयत का सॉरी वर्ग का विकर्ण पूछता तो बस भुजा कर्णी में दो हो जाता, उत्तर आ जाता आसानी से। चलिए तो इस प्रकार अति लघु उत्तर के भी 6 प्रश्न हो गए, यह ग्यारहवां प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाए, कितने अंश का, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाए, यह दो नंबर का लघु उत्तर प्रश्न है, एक सेकंड रुकिए। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पटरी खोज रहे थे नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने हाथ से ही बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह वीडियो आप अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे। देखिए पहले हम एक रेखा ए बी खींचा, रेखा कितना खींचा, रेखा ए बी खींचा, इस प्रकार की सहायता से एक चाप सी लगाया, यहां से कोई चाप जैसे यह है, तो यहां से मैंने क्या किया एक चाप यहां लगाया, यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे मैंने कोई चाप लगाया, जो भी चाप लगाया जितनी दूरी पर लगाया वो उसी दूरी से लेकर फिर मैंने क्या किया एक जगह काटा, यहाँ पे मैंने काट दिया, फिर उस बिंदु पर, फिर इस बिंदु, क्योंकि ये बनेगा जिस बार पहली बार काटेंगे इसे, देखिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पहली बार जो चाप बना, देखिए ये चाप बना मेरा, मान लीजिए देखिए यहां से बना, तो यहां पे मैंने क्या किया काट दिया, अगर इसको मैं मिला दिया तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये बनेगा 60 अंश, लेकिन बनाना कितना 120 अंश का, तो जितने डिग्री पे हमने काटा है ठीक उतना ही छोटा नहीं करना, फिर यहीं से हमने दूसरा चाप लेकर यहां काट दिया, फिर इससे मिलाते हुए मैंने क्या किया ये रेखा खींच दिया, तो यह जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, देखिए एक बार मैंने काटा 60 का, फिर दोबारा काटा कितना बनेगा 60 और 60 120, तो इस बार जो कोण बनेगा वह कितने अंश का बनेगा 120 अंश का बनेगा। अगर 90 अंश का बनाना होता, देखिए 60 का अर्धक काट देंगे यहां और 120 का अर्धक काट देंगे, देखिए यहां है ना ये 60 से लिए यहां और 120 से लिए, फिर एक रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण हो जाएगा। किंतु देखिए 90 अंश का मैंने क्या किया, पहले एक चाप लिया यहां लगाया, फिर यहां उसी चाप से यहां काटा 60 अंश का बना, फिर 60 से लिया 120 पे मिला दिया 120, 90 बनाना है तो 60 और 120 का आधा कर दिया, तो दोनों का अर्धक खींच के लाइन बना दिया, कितने बन गया 90 अंश। अगर 30 अंश का बनाना हुआ तब ए बी रेखा खींचा, ए बी यहां पे क्या एक चाप लगाया, देखिए ये चाप लगाया, फिर यहां से कोई बिंदु पर लगाया 60 अंश,
तीस अंश का बनाना है तो यहां से चाप लीजिए, यहां से मिला दीजिए, तीस अंश का कोण तैयार। ठीक, तो इस तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से आप बनाएंगे और क्या करेंगे, उसे लिख देंगे, उसकी रचना लिख देंगे, आपके दो नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको 60 अंश, 120 अंश और 90 अंश और 30 अंश के कोण बनाना समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है बीजगणित का है, कह रहा है एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a, देखिए 4a प्लस 3b, 3ab, 3ab प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर महिला है, तथा 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c पुरुष है, 6c पुरुष है। तो पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या महिला की संख्या से कितना अधिक है, क्या कह रहा है, यदि एक नगर में ये महिलाओं की संख्या हो गई या फीमेल की संख्या हो गई या हो गई मेल की संख्या, तो मेल की संख्या माने पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी ज्यादा है। ठीक, जैसे माना ये 15 है तो ये 10 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, कैसे पता करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, तो किसमें से किसको घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि क्या रहा है ना कि महिलाओं की संख्या, सॉरी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। फिर से ध्यान से प्रश्न सुन लीजिएगा, एक नगर में महिलाओं की संख्या 4a प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर है, तथा पुरुष की संख्या 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c है, तो उस नगर में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, पुरुष संख्या महिला से कितनी ज्यादा है, माने पुरुष में से महिला घटा दे, तो कैसे घटेगा, तो लिखेंगे पहले 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c में से घटाएंगे किसको, इसको 4a प्लस 3ab प्लस 2b का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, जिसको जोड़ करते हुए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c माइनस, यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक तोड़ने के बाद अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 4a माइनस 3ab माइनस 2b स्क्वायर। अब चलते हैं जोड़ने काम करते हैं, अब देखा 5ab, तो देखिए क्या यहां कहीं 5ab मिल रहा है आपको, तो हमें दिखा ये 5ab है और ये माइनस 3ab है, देखिए 5ab और ये माइनस 3ab, पद समान चिन्ह विपरीत, बड़े पद से छोटा पद घटा के बड़े पद का चिन्ह रखेंगे, 5ab में से 3ab गया, लिखेंगे हम लोग 2ab, बड़े का चिन्ह धन है तो धन लिखे ना लिखे माना जाएगा, फिर 2b स्क्वायर प्लस और ये 2b स्क्वायर माइनस, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कट गया, अब ये 6c और माइनस 4a, तो जो बताओ लिख देंगे माइनस 6c माइनस 4, इसे क्रम से भी लिख सकते हैं आप, 2ab माइनस 4a माइनस 6c, दोनों उत्तर आपके सही है। तो हो गया पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतनी अधिक है, यह दोनों उत्तर आपके सही, बीजगणित में चिन्ह के साथ कहीं भी आप लिख सकते हैं सही माना जाएगा, यह हो गया आपका 2ab। ठीक है, तो दो नंबर के प्रश्न थे, आपको ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सरलीकरण का है, दोस्तों इसका जो पेपर है वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं अथवा मेरे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश पर सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, एक क्वेश्चन दिया है 4 बड़े कोष्टक में 17, ये हो गया 17 प्लस, फिर कोष्टक में 2 प्लस 5, फिर कोष्टक में 4 माइनस 2, देखिए ये मझला कोष्टक था, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इसको सॉल्व करना, ये भी दो नंबर के प्रश्न क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं, 4 कोष्टक के अंदर बड़े कोष्टक में 17
प्लस मझले कोष्टक में टू टू प्लस फाइव में दो धन पांच कोई चिन्ह नहीं, कोष्टक में चार माइनस दो। अब इस तरह के प्रश्न में पहले सबसे पहले रेखा कोष्टक दिया तो रेखा कोष्टक, नहीं तो छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। चलिए लिखते हैं, ये हो गया चार मझला कोष्टक सत्रह धन दो ऐसे लिख देंगे प्लस ये हो गया पांच, चार में से दो गया बचेगा दो। अब इस बार ये कोष्टक टूटेगा तो चार बड़े कोष्टक में सत्रह प्लस मझले कोष्टक में टू प्लस ये गुणा हो जाएगा पांच प्लस दो। तो फिर आगे बढ़ेंगे चार ये हो गया सत्रह धन, देखिए ये क्या है यहां पे बीच में कोई चीज नहीं था तो गुणा होगा तो यह हो जाएगा मझले कोष्टक में टू धन पांच दुना दस, तो मझला कोष्टक फिर चार सत्रह प्लस मझले कोष्टक में ये हो जाएगा आपका दस प्लस दो, ये मझला कोष्टक हो गया बारह प्लस सॉरी बारह मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर कोष्टक तोड़ेंगे चार ये कोष्टक तोड़ जाएगा बारह प्लस का चिन्ह है तो सत्रह प्लस बारह, फिर ये हो जाएगा चार ये सत्रह और बारह हो जाएगा आपका उन्तीस, फिर इधर लिखेंगे चार गुणे उन्तीस फिर चार नवा छत्तीस और चार दूना आठ तीन ग्यारह, उत्तर आपका आएगा एक सौ सोलह। चलिए मैं आपको फिर समझा देता हूं पुनः एक बार, क्या दिया है चार बड़े कोष्टक में सत्रह प्लस टू प्लस फाइव फिर छोटे कोष्टक में चार माइनस दो। सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक, चार में से दो गया दो कोई चिन्ह नहीं है पांच प्लस दो सत्रह चार, फिर दो क्या है कोई चिन्ह नहीं गुणा हो जाएगा पांच दूना दस, दो का जोकर तो लिख दिए माने पांच गुणे दो, दो यहां है तो बारह हो गया, फिर ये कोष्टक टूटा देखिए पांच गुनी दस दो को लिख दिया सत्रह चार दस दो बारह, ये मझला कोष्टक टूटेगा सत्रह प्लस बारह, सत्रह प्लस बारह कितना होगा उन्तीस, उन्तीस गुणे चार तो चार नौ छत्तीस छह हाथ लगा तीन चार दुनिया आठ तीन ग्यारह, तो इसका जो उत्तर आया वो कितना आया एक सौ सोलह। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पूरा मिला लीजिएगा और स्वयं से पूरा एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग अब अगले प्रश्न पे, जो अगला प्रश्न है उसे देख लेते हैं हम लोग और आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक और हमारे यहां ऑनलाइन यूपी टेट सी टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के नोट्स और ऑनलाइन लेक्चर आपको सतत रूप से मिलते रहेंगे आप सभी साथियों को। अब देखिए किसी कक्षा एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है दो नंबर के हैं, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों का परिणाम ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया है, चित्र देखकर सॉल्व करें। देखिए ये ग्राफ द्वारा दिया गया है, ये हम ग्राफ बना देते हैं, ये दिया है 180 अंश द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी 180 है माने सेकंड डिवीजन, फिर सीधा सीधा लिख देते हैं आप लोग साथ समझ जाएंगे, ये बना दिया हमने सेकंड श्रेणी, फिर 90 डिग्री थर्ड श्रेणी, 90 डिग्री थर्ड श्रेणी, फिर 30 डिग्री अनुत्तीर्ण, 30 डिग्री क्या हो गया अनुत्तीर्ण, अनु 30 डिग्री अनुत्तीर्ण हो गए माने क्रॉस फेल हो गए, और 60 डिग्री माने 60 डिग्री क्या हो गए फर्स्ट डिवीजन। एक कक्षा में कितने बच्चों का 60 बच्चों का, यह है 60 बच्चों का परिणाम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया जिसमें 180 अंश, जो 180 अंश है वो क्या है द्वितीय श्रेणी, 90 अंश तृतीय श्रेणी, 30 अंश अनुत्तीर्ण, 60 अंश फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण। अब इसमें दिया है एक प्रश्न बना फर्स्ट, सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे अधिक बच्चे, तो अब देखिए इसको हम पहले परसेंटेज में बना लेते हैं, अगर सबसे अधिक बच्चे देखेंगे तो 180 अंश है, 180 अंश माने सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, खाली इतना पूछा है सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यही प्रश्न है पहला, तो सबसे अधिक बच्चे किसमें 180 अंश वाले श्रेणी में उत्तीर्ण हुए माने सेकंड श्रेणी में, देखिए साफ साफ दिख रहा है, अब इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है प्रथम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, देखिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण
बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है? तो बिना संख्या निकाले हम डायरेक्ट अनुपात निकाल लेंगे। इसका कितना है? प्रथम श्रेणी का 60 अंश अनुपात, द्वितीय श्रेणी का 180 अनुपात, ये इससे कट गया, 0 0 से कट गया, 6 का 6 36 का 18 1:3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस यहां लिखना होगा प्रथम श्रेणी का अनुपात, प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी बराबर 60 अंश अनुपात 180 अंश अनुपात कट जाएगा 1:3 आपका उत्तर आएगा। बस डायरेक्ट आपको लिख देना है, आपके दो नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला दिया है, यदि दो संख्याओं का दिया है एक क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मैशअप 15 हो तथा उन संख्याओं का गुणनफल 900 हो तो उसका लेसर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, शायद आपको याद होगा, यह बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन आया था। यदि दो संख्याओं का मैशअप 45 लेसर पर 500 हो तथा एक संख्या 125 हो, दूसरी संख्या क्या होगी? उत्तर 180 आया था, शायद आपको याद होगा। उसी तरह से एक प्रश्न आया है, यदि दो संख्याओं का मैशअप मतलब 80F हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 80F मैशअप 15 हो तथा उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 हो तो लेसर क्या है? माने हम लोग देखते हैं, देखिए लेसर पर वही होता है, लेसर पर गुणे मैशअप पर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैशअप गुणे लेसर बराबर पहली संख्या गुणे या दूसरी संख्या या दोनों संख्या गुणनफल, जो जो ज्ञात है लिख दीजिए। लेसर नहीं ज्ञात है तो लेसर को इसे लिख देते हैं, लेसर गुणे मैशअप कितना है? मैशअप है आपका 15, मैशअप पर 15 है, दोनों संख्या गुणनफल कितना है? 900 है, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो लिखेंगे लेसर या लेसर पर बराबर 900/15, क्योंकि गुणे में इधर बटे में 15 का 15 15 96 0, तो जो लेस है संख्या का, तो जो लेस है वो 15 96 वो बराबर कितना हो गया? 60। दोस्तों इस प्रश्न में गलती हो गया है, टाइपिंग में मिस हो गया है, यहां पे जो 900 है यहां होना चाहिए था 90, तभी आपका लग पाएगा, कितना होना चाहिए था? 90, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप काट लीजिएगा, पेपर में तो दिया है 900 लेकिन होगा वास्तव में 90, तो यहाँ पे 90 होगा, तो हो जाएगा 90/15, तो ये हो जाएगा 15 96 90 सही था, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, 900 ही होगा तभी गुणनफल होगा, ये होगा 90 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा 900/15 कट गया, तो उसका लेसर जो है वो कितना आएगा? 60, बस यही है उसका जो लेसर है वो 60। हमने क्या किया? लेसर पर गुणे मैशअप पर बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल, लेसर पूछा था, मैशअप 15 दिया था, लेसर गुणे 15 बराबर 900, लेसर बराबर 900/15 60, तो लेसर 60 और मैशअप 15। अब आप चाहें तो दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी दो क्वेश्चन और बचे आपके, 17 और 18, तो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दो क्वेश्चन दिया है, हल करने के लिए दोनों भिन्न है। हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड, दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? 1/8, 1/8 प्लस 3/4, 1/8 प्लस 3/4, देखिए आसान है। अब देखिए हर का लेसर लेंगे, 8 और 4 का पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 24। अब क्या करेंगे? इस हर से इसमें भाग देंगे, तो 8 3 24, इसमें अंश में गुणा करेंगे तो 3 1 का 3, 4 से भाग देंगे 24 में 6 बार जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21/24। अब ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, तो हो जाएगा 7/8, तो आपका उत्तर पहले का हो गया 7/8। अगले में बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न जो दिया है वह दिया है 7/12 गुणे 3/2 दिया है,
देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, तो ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट जाता है, या ऊपर का गुड़ा ऊपर नीचे गुड़ा नीचे करिए, अंश गुड़ा अंश में, हर का गुड़ा हर में। तो तीन एक का तीन, तीन चौक बारह, तो बचेगा सात बट्टे चार गुड़े एक बट्टा दो। गुड़ा करेंगे तो सात गुड़े एक बट्टे चार गुड़े दो, तो सात गुड़े एक करेंगे तो सात एक का सात और चार दुना आठ, ये भी सात बटे आठ आ गया, ये भी सात बटे आठ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं कि आप एक आखिरी क्वेश्चन 58 जो दो नंबर का, इसके बाद आपका 2015 का मैं पेपर सॉल्व करा दिया। और आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप सभी अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और हमारे यहाँ सभी ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब इसको चलाएंगे संस्था को, क्योंकि हो सकता है आप सबका आशीर्वाद रहे तो आने वाले समय में हम भी अध्यापक हो जाएंगे। तो आप सभी साथी छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण बहुत ईजी है। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 3 सेमी और 4 सेमी की त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 सेमी और 4 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी, शायद ये था 3.4 था क्या, 3.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उसकी व्यास ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, अब स्केल रखी हुई सबका स्केल है, स्केल पे क्या करेगा, पटरी प्रकार के साथ कितना पेंसिल हो गया 3.4, अगर कहा 3.4 सेमी का नाप ले लीजिए, फिर एक इसका एक क्या खींच दीजिएगा, एक वृत्त खींच दीजिएगा। तो वृत्त खींचेगा क्या होगा, देखिए यही लीजिएगा, जैसे आपने यहां से बिंदु लिया प्रकार लगाया तो तैयार हो गया ये, तो यहां से यहां तक क्या हो गई, ये हो गया 3.4 है, 3.4 का हो गया सेमी। अब इसकी व्यास पूछा है, व्यास बराबर हम जानते हैं व्यास बराबर त्रिज्या गुड़े दो, तो त्रिज्या कितनी है 3.4 × 2, तो बराबर ये हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर, उसका व्यास होगा 6.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो पहले बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से था, उसका जो गणित चतुर्थ पेपर था 2015 का, उसे मैंने पूरा सॉल्व करा दिया 18 क्वेश्चन। आप इसे समझ लीजिएगा, इसी आधार पे आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगले दिन हम आपको नए 2016 के पेपर से सॉल्व कराएंगे, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी साथियों दोस्तों को आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उसका जवाब आप सभी बताइएगा। दोस्तों यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो, तो उसके चारों तरफ दो बार तार लपेटने का कुल कितना, दो बार तार लपेटा जाए तो तार की कुल कितनी लंबाई होगी, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और साथी भी तक ये उपलब्ध हो जाए, पहुंच जाए। मैं इसी तरह सभी पेपर के सॉल्व आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप सभी साथियों को आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।